क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेसिक से लड़के के जिंदगी के बारे में जो खुद बोर नहीं होती बट लोगों को बोर कराती है। आज से पहले आपने किसी लड़के को खुद के लेवल पे रोस्ट करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखोगे, अब सोचोगे नहीं कि खुद का लेवल अब क्या होता है। तो वही जिस लेवल पे तुम हो, जिस लेवल पे मैं हूँ, उसी लेवल पे मैं रोस्ट कर रही हूँ खुद का। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये बेसिक से लड़की का लेवल अप कैसे हो गया। तो चल ये भी सोचोगे ये लड़की अपनी ही तारीफ कर रही है। हाँ तो मैं बता दूँ, मैं हूँ वो लड़की जो खुद का लेवल अप करती हूँ, और सेल्फ लव के नाम पे कुछ ज्यादा ही हो जाता है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझ पाओगे, चलो सिखा देते हैं। तो स्वागत है आपका एक बेसिक सी लड़की के सोलो रोस्ट सेशन में। ये जो सेल्फ केयर का ट्रेंड है ना, उसका जीता जागता एग्जांपल मैं हूँ। हर दिन इंस्टाग्राम पे हैशटैग सेल्फ केयर का पोस्ट डाल के मैं खुद की लाइफ को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ, पर पीठ पीछे क्या होता है वो मुझे पता है, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ना, कि मैं अपनी लाइफ में कितना टॉप ऑन लेवल पे हूँ। अरे भाई, मैं तो मॉर्निंग रूटीन में इतनी बिजी हूँ कि अपनी जिंदगी को इतना ऑर्गेनाइज बना देती हूँ कि अगर किसी को भी लाइफ का लेसन लेना हो तो मुझे बुला लो। और हाँ, जिम का मेंबरशिप लेने का तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तो फिट हूँ अपने लाइफ का लाइफ स्टाइल को परफेक्ट करके। जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना, बड़ा ही बेकार है, ये मैं समझ सकती हूँ। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग समझें, पर कोई नहीं, होता रहता है। कुछ लोग ज्ञान देंगे कमेंट्स में, ज्ञान देने ही वालों को ज्यादा एडिक्शन है क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम है कमेंटबाजी करने का। देखिए बुरा मत मानिएगा, बट ये सत्य है और सत्य कड़वा होता है। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना, ये हम जैसे लोग ही समझ सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बस लाइक और कमेंट्स का गेम होता है, पर हमारे लिए सेलिब्रिटी बनने का पहला सीढ़ी होता है अपने लाइफ को एक नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह एकदम लाइव करना। और जब अच्छा कुछ कमेंट्स आ जाता है तो ऐसा फील होता है कि मैं तो अपने लेवल पे एक सुपरस्टार बन चुकी हूँ। शायद वो आप लोगों के साथ भी होता हो, मैं बता दे रही हूँ और आप बता नहीं पाते हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप ड्रामास के। मुझे तो रोमांटिक मूवी कॉमेडी में भी उतनी रियलिज्म नहीं लगती जितनी कि मेरी लाइफ में है। एक दिन तो कुछ भी नहीं होता और दूसरे दिन कोई लॉन्ग मैसेज भेज देता है और उस पे क्या लिखा होता है, आई मिस यू। और मैं सोचती हूँ रिप्लाई करूं ना करूं, करूं ना करूं, इसमें ही दो दिन लगा देती हूँ। अंततः मैं ब्लॉक कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ आई एम लव ऑफ डेफिनेशन, यार मैं तो आई एम बिजी का एक्सप्लेनेशन देते देते अपनी लाइफ का पूरा वक्त गुजार देती हूँ। और कभी किसी को लगता है कि मैं सिंगल हूं तो इतना समझ लो कि मैं अपने सिंगल लाइफ में इंडिपेंडेंट बेसिक सी लड़की बहुत हैप्पी है। आज का ये सोलो सेशन रोस्ट था, मैं ही हूं और कोई नहीं। आज इस भरी दुनिया में हम खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुद को एब्जॉर्ब करने की बजाय हम दूसरों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को एब्जॉर्ब करते करते हम खुद के ऑब्जर्वेशन फीलिंग को भूल जाते हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है कि दूसरों को छोड़ो, खुद को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। तुम इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग हो, एवरी पर्सन नॉट फॉर मी। और जो मेरा लेवल है वो सबको समझ नहीं आएगा, हो सकता है आपका जो लेवल है वो मुझे भी नहीं समझ में आएगा, तो सबका लेवल अलग अलग है। तो ये मेरी लाइफ का कुछ परफेक्ट मोमेंट्स को देख कर आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही हैप्पली जीती हूँ। जी बिल्कुल सही बात है, मैं हैप्पली जीती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि ये जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद के लिए कर रही हूँ और खुद का लेवल अप कर रही हूँ। तो दोस्तों लाइफ को इंजॉय करो, खुद को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो कि तुम हो क्या, क्योंकि दुनिया आपको एब्जॉर्ब करती है। आप कब अपने आप को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे? और कोई आपको ना समझे तो उसे इग्नोर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।